हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई एम टीचिंग यू सब्जेक्ट जीके एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अमेजिंग रेप्टाइल्स द रिगुलर्स। फर्स्टली वी विल नो अबाउट व्हाट इज अमेजिंग रेप्टाइल्स। सो ओपन योर बुक एंड लिसन हियर। रेप्टाइल्स आर अ ग्रुप ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स विच have skin covered with small hard plates called scales and lays eggs। तो reptiles जो animals होते हैं, ये cold blooded animals का एक group है जिसका skin जो है वो small plates से कवर किया हुआ है, ढका हुआ है। ऐसे एनिमल्स को स्केल्स कहा जाता है। ओके, एंड लेज एग्स, और ये एग देता है, अंडा देता है। ओके, तो ऐसे एनिमल्स में स्नेक्स आते हैं, लिजार्ड्स आते हैं, क्रोकोडाइल आते हैं, टॉर्टोइस, टर्टल, इस तरह से ये एनिमल्स आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो एनिमल्स आप देखे होंगे तरफराते हैं, रेंगते हैं, तो ऐसे एनिमल्स जो हैं वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। तो आप अपने बुक में भी देखोगे। कैन यू आइडेंटिफाई दिस रिगुलर्स? क्या आप ये रिगुलर्स के नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो? ओके, तो पहचान सकते हो तो आप क्लूज को पढ़ोगे, फिर उसके बाद उसका नेम दोगे। तो चलिए देखते हैं। अ रेप्टाइल दैट हैज अ सेल ऑन इट्स बैक। एक रेप्टाइल जो कि इसके बैक में सेल होता है। इट कैन नॉट स्विम, या स्विम नहीं कर सकता है। इट कैन बी डोमेस्टिकेटेड आल्सो, और इसे पाला भी जा सकता है। ओके, तो ये आप रेप्टाइल्स को देख सकते हो। इसका जो बैक का जो सेल है बहुत ही हार्ड है, हार्ड प्लेट का है। तो ऐसे रेप्टाइल्स को हम जानेंगे टॉर्टोइस से। सेकेंड में हम देखेंगे इट इज जस्ट लाइक अ टॉर्टोइस बट इट स्टे इन वाटर, या इट जस्ट लाइक टॉर्टोइस, ये जस्ट टॉर्टोइस की तरह होता है लेकिन ये वाटर में रहता है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ऐसे रेप्टाइल को जानेंगे टर्टल से। थर्ड में देखेंगे इट इज लाइक अ क्रोकोडाइल एंड कैन बी मिस्टेकन फॉर इट बट इट इज स्मॉल एंड हैज पावरफुल बॉनी स्केल्स ऑन बॉडी। ये रेप्टाइल्स आप देख सकते हो पिक्चर में, जो क्रोकोडाइल की तरह होता है और लेकिन क्रोकोडाइल समझना इसके लिए मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल लंबा होता है और हैवी होता है। ओके, और ये क्रोकोडाइल लार्जेस्ट होता है लेकिन ये स्मॉल होता है। ये रेप्टाइल्स जो होता है वो स्मॉल होता है और इसका जो बॉडी होता है वो पावरफुल बॉनी स्केल के साथ होता है। तो ऐसे रेप्टाइल्स को हम जानेंगे एलिगेटर से। ओके स्टूडेंट्स, फोर में देखेंगे इट इज द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स फाउंड दिस डेज, या लार्जेस्ट रेप्टाइल है और रेप्टाइल्स में हैवीएस्ट है,
जितने भी रेप्टाइल्स एनिमल्स होते हैं ये सबसे हैवीएस्ट होता है, हैवी होता है। इन दिनों में ये रेप्टाइल्स पाया जाता है, अभी भी पाया जाता है, आप पार्क वगैरह गए होंगे तो आप देखे होंगे, ओके, या आप फॉरेस्ट वगैरह गए होंगे तो वहाँ पर भी आप देखे होंगे, ओके, आप जू गए होंगे तो वहाँ भी देखे होंगे। इट हैज़ ह्यूज जा, और इसके बड़ा सा जा होता है, ओके, तो आई होप आप लोग समझ में आपको आ गया होगा ये कौन से रेप्टाइल्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये है क्रोकोडाइल, ओके स्टूडेंट्स, देखिए फिफ्थ में देखेंगे, इट इज अ रेप्टाइल ब्राउन ब्लैक इन कलर, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ क्रोकोडाइल। ये जो रेप्टाइल्स है ब्राउन ब्लैक कलर में है और ये क्रोकोडाइल के ग्रुप से बिलोंग करता है, ओके, क्रोकोडाइल फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये जो रेप्टाइल है वो कैमन है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे, अ स्नेक विच मेक्स साउंड व्हेन इट क्रॉल्स एंड हैज अ रैटल ऑन इट्स टेल। एक स्नेक जो साउंड करता है, जो साउंड निकालता है जब यह रेंगता है और इसके टेल में रैटल्स होते हैं, ओके, मींस और ये टेल से रैटल करता है, मींस खरखट करने की आवाज निकालता है। तो ये जो स्नेक है वो है रैटल स्नेक, ओके, इसका नेम ही रखा गया है रैटल स्नेक, क्यों, क्योंकि ये स्नेक खर खर की आवाज निकालता है, ओके स्टूडेंट्स। फिर इसके आगे हम देखेंगे सेवेंथ का देखेंगे, इट इज अ स्ट्रेंज एनिमल दैट लीव्स इट्स टेल बिहाइंड व्हेन अटैक्ड। तो ये स्ट्रेंज एनिमल है जो कि ये अपने टेल से पीछे की तरफ से छोड़ता है जब इस पे अटैक किया जाता है तब, ओके, तो ये जहां भी रहता है मीन्स दीवार पे अगर रहता है और जब इस पे अटैक किया जाता है तो ये पीछे से ऐसे करके आगे की ओर बढ़ता है। द टेल देन ग्रो अगेन, तो इस तरह से फिर जो टेल होता है वो आगे की तरफ को ले जाता है, फिर बढ़ता है, आगे आगे जाता है, ओके, जब इस पर अटैक किया जाता है तब। तो ऐसे जो रेप्टाइल्स हैं वो है लिजार्ड, जैसा कि आपके घरों में भी पाया जाता होगा, ओके, तो ये इस तरह से है, ये मेनली वाल पे रहता है। इसके आगे देखेंगे एट्थ में, इट इज अ पीक्यूलियर रेप्टाइल विच कैन चेंज इट्स कलर्स क्विकली अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स। यह एक पीक्यूलियर रेप्टाइल है, यह एक अजीब तरह का रेप्टाइल है जो अपने कलर को चेंज कर सकता है क्विकली अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने आसपास जैसा वो कंडीशन दिखता है उसके अकॉर्डिंग वो शीघ्रतापूर्वक अपने कलर को चेंज कर सकता है। तो ऐसे रेप्टाइल को हम जानेंगे कैमेलियन, ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो ये कई कलरों में अपने स्किन को चेंज करता है। फिर इसके आगे देखेंगे, इट इज़ द हाईली पॉइजन्स स्नैक एंड इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द पॉइजन्स स्नैक्स। यह हाईली पॉइजन्स स्नैक है और ये पॉइजन्स स्नैक्स में सबसे लंबा है, ओके, तो जितने भी पॉइजन्स स्नैक्स होते हैं ये सबसे लंबा है और इसमें सबसे अधिक पॉइजन्स पाया जाता है। तो ये जो स्नैक है वो है कि कोबरा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ओके, जैसा कि हम एनाकोंडा के बारे में भी सुनते हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नैक्स है।
आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में कंप्लीट करके एक्सरसाइज व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।